हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ रहे हैं क्लास फोर के पर्यावरण की वर्कबुक। और चैप्टर पढ़ने वाले हैं 17। लगभग ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद भी एक चैप्टर दोस्ती वाला है, उसमें कुछ भी बताने के लिए नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त है तो उन सभी सवालों के जवाब आप दे सकते हैं, तो आप इसे ही लास्ट मान के चलिए 17 चैप्टर। प्रदेश का शासन प्रबंधन, यानी अपने प्रदेश का शासन प्रबंध कैसा है उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि 18 वर्ष से ज़्यादा आयु वाले लोग जब वोट डालने जाते हैं तो उनको क्या लेकर जाना पड़ता है, ये पूछा गया है। कि जैसे आपकी उम्र अगर 18 साल हो जाएगी या आपके मम्मी पापा वोट डालने के लिए जब जाते हैं तो अपने साथ क्या लेके जाते हैं। देखो इसमें चित्र में एक आदमी ये दिखा रहा है, ये वोटर कार्ड दिखा रहा है, अर्थात अपनी पहचान के नाम पर आपको कोई एक आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। अब पहचान के नाम पर आप अपना वोटर कार्ड ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, पासबुक ले जा सकते हैं, ठीक, मूल निवास ले जा सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हैं। इनमें से कोई एक चीज़ अगर आप लेके जाएंगे तो आपका वोट वहाँ पर पड़ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ नीचे दिखाए गए मतदान के दो तरीके हैं, एक तो ये दिया गया बैलेट पेपर वाला और इधर नीचे दिखाया गया है बैलेट मशीन वाला। इनके बारे में हमें लिखना है। देखिएगा क्या होता है, बैलेट पेपर से चुनाव जब होता है तो उसमें क्या होता है, जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे तो वहाँ के अधिकारी आपको एक बैलेट पेपर देंगे, उस पर जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनके सबके चुनाव चिन्ह छपे होते हैं और आप जिसको वोट देना चाहते हैं उसके चुनाव चिन्ह के सामने अपनी मोहर लगाएंगे और उस बैलेट पेपर को मोड़ करके इस बैलेट पेपर के डिब्बे, ये जो बैलेट जो डिब्बा होता है इसमें थोड़ी जगह खुली होती है, इसमें आप अपना वोट डाल देंगे। इस प्रकार से आपका वोट पड़ जाएगा। बाद में इसको खोल करके वोटों गिनती कर ली जाती है, जिसके वोट ज़्यादा होते हैं वो उम्मीदवार जीत जाता है। तो ये तो हो गया बैलेट पेपर से चुनाव की व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था है ये ईवीएम से। ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी आने लगी, इससे भी गवर्नमेंट चुनाव करवाती। इसमें क्या होता है, वहाँ पर आपको मोहर लगानी पड़ेगी, बैलेट पेपर मिलेगा, लेकिन जब इसमें वोट डालने के लिए इस व्यवस्था में अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ना कहीं मोहर लगानी ना कुछ नहीं करना। आप जाइएगा, वहाँ मशीन रखी हुई है, ये देखिएगा ये सब एक तरफ चुनाव चिन्ह छपे हुए हैं, उम्मीदवारों के नाम लिखे, इस पर नाम भी लिखा होता, वहाँ बैलेट पेपर में नाम लिखा होता और चुनाव चिन्ह छपा होता तो उसके सामने मोहर लगाते। लेकिन यहाँ क्या, ये उम्मीदवारों के नाम लिखे हैं, उनका ये चुनाव चिन्ह है, आपको जिसे वोट देना उसके सामने ये बटन लगी हुई है, उस बटन को आप केवल दबा दीजिएगा, मशीन में बीप बजेगी थोड़ी देर तक, तो समझिएगा आपका मतदान हो गया। तो ये दो व्यवस्थाओं से अभी भी हमारे यहाँ चुनाव होता रहता है। तो ये होती है ईवीएम, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब देखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री किसे नियुक्त करते हैं, मुख्यमंत्री किसे नियुक्त करते हैं, तो मुख्यमंत्री क्या होता है, अपने विधायकों को में से मंत्रियों को नियुक्त मुख्यमंत्री स्वयं करता है। मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, तो ये काम होता है राज्यपाल का। मुख्यमंत्री हो या दूसरे उसके जो मंत्री होते हैं जिनको मुख्यमंत्री ने नियुक्त किया है, उनको जो कसम दिलवाई जाती है वहाँ पर, शपथ दिलवाई जाती है, वो राज्यपाल दिलवाते हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के काम क्या है, देखो मुख्यमंत्री का कार्य क्या होता है, पूरे प्रदेश की शासन व्यवस्था को देखना, कानून व्यवस्था को देखना और नए कानून बनाना भी होता है, और दूसरी योजनाएँ जो संचालित हैं उनका सही तरीके से संचालन करवाना होता है, ये सब काम आ जाते हैं मुख्यमंत्री के। अब राज्यपाल का कार्य क्या होता है, जैसे मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा देना हो तो वो राज्यपाल को देगा, या कोई दिक्कत आ रही हो तो राज्यपाल इनसे कहेंगे, तो ये थोड़े काम राज्यपाल के भी होते हैं। न्यायालय का काम क्या होता है, देखो न्यायालय का काम लोगों को न्याय दिलाना होता है। प्रत्येक ज़िले में एक जिला न्यायालय होता है, उसका जिला न्यायाधीश हर ज़िले में एक एक होता है। प्रदेश का उच्च न्यायालय, अब एक उच्च न्यायालय होता है, यानी सभी हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा और हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है और हाई कोर्ट में बड़े जज बैठते हैं। तो अपने जो उत्तर प्रदेश का न्यायालय है वो प्रयागराज इलाहाबाद में है, और फिर उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट होता है वो दिल्ली में है। तो इस प्रकार से न्याय व्यवस्था चलती है। और लास्ट में हमसे पूछा जा रहा कि आपके ज़िले में कोई न्यायालय है, अब हमारे ज़िले में तो है, अब आपके ज़िले में अगर नहीं है तो आप लिखेंगे नहीं, अगर है तो पता करके लिखें। वैसे सभी ज़िलों में एक एक न्यायालय है। और लास्ट में ये सवाल आपके लिए स्वयं के लिए है कि बाल संसद क्या होती है, इसके अलग अलग क्या पद हैं और कौन क्या काम करता है। आप स्वयं भी अपनी एक बाल संसद बना सकते हो, उसका अध्यक्ष चुन सकते हो
और उसमें मंत्रियों के समूह बांट सकते हो, तो ये बाल संसद कही जाती, क्लासों में बाल संसद बनवाई जाती है। अगर आपके यहाँ बनी है तो आप इसमें अपना उसके बारे में लिख सकते हैं। ये था चैप्टर 16, प्रदेश का स्वशासन, मतलब प्रदेश का शासन प्रबंध, ये भी हमने कंप्लीट आपको समझा दिया है। अब इसके बाद लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, वो भी हम आपको बताते हैं, देखिएगा क्या है लास्ट चैप्टर। इसमें है दोस्ती। अब अगर आपका कोई दोस्त है और उससे आपकी दोस्ती है, तो उसी के विषय में आपसे इसमें पूछा जा रहा है, तो सभी के सभी क्वेश्चन आपसे ही संबंधित हैं, आप उसको लिख पाएंगे, तो इसके विषय में हमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से जो पर्यावरण की वर्क बुक है क्लास फोर की, उसको हमने कम्प्लीटली आपको पढ़ा दिया है, और सभी चैप्टर की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कोई वीडियो ढूंढने में, सर्च करने में दिक्कत आती है, तो किसी भी वीडियो पर क्लिक करके आप उस लिंक पर जा करके उस क्लास को देख सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आपको इस चैनल में इसी प्रकार की पढ़ाई देखने के लिए मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।